ABPS News। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तत्वाधान में एक दिवसीय सम्मेलन 16 अप्रैल दिन सोमवार को छिबरामऊ तहसील परिसर में आहूत किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानों का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान अपनी ताकत को पहचाने, ग्राम प्रधान यदि एकजुट हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत प्रधानों का शोषण नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने जनपद में होने वाली मासिक बैठकों पर जोर दिया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत यादव ने JETA द्वारा MBA पर प्रधानों से एस्टिमेट का 5% लिए जाने का घोर विरोध किया। जिला संरक्षक OP तिवारी ने सरकार से छिबरामऊ की प्रधान श्वेता कटियार को हटाने की मांग की है। साथ ही जिला सचिव गुड्डन तिवारी ने प्रधानों के खिलाफ हो रहे शोषण के विरोध में आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। सम्मेलन में एक ज्ञापन SDM छिबरामऊ के द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि प्रधानों ने अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में अपने पास से पैसा लगाकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर बनवाए, क्योंकि उस समय शासन से बजट पास नहीं हुआ था, जिसका अभी तक कोई भी पैसा अधिकारियों द्वारा प्रधानों को नहीं दिया गया है। यदि प्रधान अपनी धनराशि मांगते हैं तो झूठी जांच में फंसाने का भय दिखाकर डरा दिया जाता है। ग्राम सभाओं में सड़कों, नालियां या फिर नलों की मरम्मत में लगने वाले धन का 5% अवैध कमीशन JETA द्वारा प्रधानों से मांगा जाता है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा संबंधित अधिकारियों पर अवैध वसूली के तहत कानूनी कार्यवाही कराई जाए। ग्राम सभाओं में लगने वाली सोलर लाइट पर जो मौखिक रोक लगी हुई है उसे हटाया जाए। प्रधानों का मानदेय 30,000 रूपए प्रति माह कर विकास कार्यों की निधि से अलग कर उनके खाते में पहुंचाई जाए। विकास कार्यों पर GST खत्म की जाए। प्रत्येक कार्य पर अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारी खुलेआम रिश्वत मांगते हैं। यदि प्रधानों द्वारा रिश्वत ना दी जाए तो फाइल क्यूरी कर वापस लौटा देते हैं। इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। यदि मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रधान व अखिल भारतीय प्रधान संगठन विकास कार्यों को स्थगित कर लखनऊ में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। भ्रष्टाचारी अधिकारी होश गया, होश गया, होश गया। भ्रष्टाचारी अधिकारी होश गया, भ्रष्टाचारी। बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं होंगे तब तक उत्तर नहीं मिलेगा। जब आप लोग प्रधान बने हैं 2015 में, आपको 50,000 तक स्वीकृति देने का क्या अधिकार था? जो कार्य योजना बनती है उसकी 50,000 रुपए की स्वीकृति देने का अधिकार ना करा पाते क्या? आप जब प्रधान हुए तो 1,000 रुपए आपको अपने पास रखने का अधिकार था और 5,000 रुपए स्टेशनरी पे खर्च करने का अधिकार था। यही तो था प्रधान हुए। एक आदमी 8-9 लोगों को पैसे नचा रहा है, 8-9 लोग पैसे नाच रहे हैं। मैंने तो मतलब बता दिया ना कि कैसे ये 9 लोग आप पैसे नाचेंगे, इकट्ठा होंगे ना महीने में, पूरे का पूरे सभी प्रधान साथी प्रधान में एक की तारीख निश्चित करके इकट्ठा होंगे कि नहीं बताए तो पैसे हैं गिरे पर ये सब संभर जाएंगे। बड़ी मजे की बात है कि अगर डकैतों का सरदार माल अगर लेना है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता? बोला ना, अरे जो ऊपर डकैतों के सरदार बैठे हैं बड़ा अधिकारी तो दूर से धुले हुए हैं, क्या दोनों एक साथ चलेगा क्या? अरे बोला ना, इनकी ईट से ईट बजा देंगे। अब कह दीजिएगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि न खाएंगे और न खाने देंगे वाले नहीं है, हम जांच कराएंगे। और एक बात, ये जो बड़का अधिकारी बैठे है ना, ये भी कार खोल करके सुन ले, इनका भी इंतजाम हमने कर दिया है। अब डरने की जरूरत नहीं है, जांच अगर हमारी हो सकती है